भारत और वेस्ट इंडीज के बीच खेले जा रहे पहले वनडे मुकाबले में वेस्ट इंडीज ने टीम इंडिया के सामने रनों का टारगेट रखा है। दरअसल टॉस हार कर पहले बैटिंग करते हुए वेस्ट इंडीज ने 176 रन ही बना सकी और ऑल आउट हो गई। जेसन होल्डर 57 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। वहीं भारत की ओर से युजवेंद्र चहल ने सबसे ज्यादा 4 विकेट चटकाए। दरअसल टॉस हार कर पहले बॉलिंग करने का फैसला भारत के लिए सही रहा। वेस्ट इंडीज ने 71 के स्कोर पर अपने 5 विकेट गवा दिए। साई होप 8 रन बनाकर मोहम्मद सिराज की गेंद पर बोल्ड हुए। इसके बाद वॉशिंगटन सुंदर ने एक ही ओवर में ब्रेंडन किंग को आउट किया और 4 गेंदों के बाद डेरन ब्रावो को DRS पर LBW आउट किया। वहीं आपको बता दें, पारी के 20वें ओवर में युजवेंद्र चहल ने लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट चटकाए। पहले उन्होंने निकोलस पूरन को DRS पर LBW आउट किया और अगले ही गेंद पर कप्तान कायरन पोलार्ड को बोल्ड कर दिया। पूरन को आउट करने के साथ ही चहल ने वनडे में अपने 100 विकेट भी पूरे कर लिए। चहल ने अपने अगले ओवर में समर ब्रुक को आउट किया। ये सफलता भी भारत को DRS पर मिली। दरअसल अंपायर के नॉट आउट दिए जाने के बाद कप्तान रोहित ने कुछ देर साथ ही खिलाड़ियों से डिस्कस करने के बाद रिव्यू लिया। रिप्ले में नजर आया कि गेंद बल्ले पर लगकर कीपर के पास गई थी। भारतीय टीम के लिए ये तीसरा रिव्यू था और तीनों में उन्हें सफलता मिली। अकील हुसैन का विकेट प्रसिद्ध कृष्णा के खाते में आया। वह एक समय वेस्ट इंडीज का स्कोर 89 रन पर 7 विकेट था और ऐसा लग रहा था कि शायद ही टीम 100 रन भी पार कर पाए, लेकिन 8वें विकेट के लिए जेसन होल्डर और फेवियन एलन ने 91 गेंदों पर 78 रन जोड़कर पारी को संभाल लिया। इस पार्टनरशिप को सुंदर ने एलन को आउट कर तोड़ा। इसके बाद जेसन होल्डर भी पारी को आगे नहीं बढ़ा सके और प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर आउट हुए। खैर दोस्तों, आज के मैच को लेकर आपकी क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।